दोस्तों ये है बर्फ यानी कि आइस। और ये जो बर्फ है ये वैसे तो काफी मजबूत होती है, लेकिन जब ये नीचे गिरती है, जब इस पे झटका लगता है तो ये टूट जाती है। कुल मिलाकर के ये जो है बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं होती। लेकिन आज हम लोग बनाने वाले हैं बर्फ को स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए इसमें करेंगे रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि हम किसी और चीज का यूज करके और इस बर्फ को मैट्रिक्स की तरह यूज करके उसकी मजबूती बढ़ाएंगे, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। और वो जो चीजें हम यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमारे पास में है एक स्टील का स्ट्रक्चर जो कि यूज होता है बिल्डिंग्स में मजबूती में, और साथ ही साथ में हमारे पास में यहां पर है कॉटन यानी कि रुई। दोनों चीजों से अलग अलग स्लैब्स बनाएंगे, एक नॉर्मल स्लैब भी बनाएंगे। इसलिए हम लोग आ पहुंचे हैं इस आइस फैक्ट्री के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। गाइज इस तरीके की स्टील स्ट्रक्चर के लिए हमने यूज किया है 8mm स्टील रॉड्स का, यानी कि 8mm के सरिये का। और हमने जो है आप लोग देख सकते हो इसको लोहे के तारों से बांध करके सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना दिया जो कि बिल्डिंग्स में यूज होता है। तो इसको तो रखते हैं और आपको साथ ही साथ में कॉटन भी दिखाते हैं। ये है नॉर्मल रुई जो कि हमारी रजाई गद्दों में यूज आती है। तो अब जो है आपको सबसे पहले एक बार दिखा देते हैं कि ये फैक्ट्री कैसे काम करती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये चीज नहीं देखी होती। तो आ जाओ दोस्तों, ये है इस फैक्ट्री का कंप्रेशर जो कि है 24 HP का, यानी कि 24 हॉर्स पावर का। बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा लोड भी लेता होगा। और यहां पर आप लोग देखो कि कितनी बड़ी मोटर इसमें लगी हुई है। ये जो है 24 हॉर्स पावर की मोटर है, आप लोग देखो यार इसका बहुत बड़ा साइज है। और यहाँ पर पूरा जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है चारों तरफ। ये जो है एक बड़ा सा टैंक है। अब देखो हमको इतनी ज्यादा चीजें तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगता है बर्फ बनाने के लिए। तो अब इधर आ जाओ, इस साइड में जो है बर्फ बनती है। ध्यान से आइयो यार, है ना, ध्यान से आना, गिर मत जाना। तो गाइज यहां पर ये एक हॉल जैसा है जिसमें कि नीचे लकड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं काफी सारे, और इनके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, और यहां पर इसके अंदर भाई साहब एकदम ठंडा ठंडा पानी है, और जो है बर्फ जमने वाली है, थोड़ी बहुत बची हुई है। दोस्तों इन स्लैब्स का यूज किया जाता है इसके अंदर बर्फ जमाने के लिए। और यहाँ पर देखो मैं भर रहा हूँ इसमें पानी। इसमें जो है लगभग 50-60 किलो के आसपास बर्फ जमेगी, तो इसको भरने देते हैं। जरा पानी भर चुका है। यहाँ पर एक स्लैब के अंदर मैं डाल रहा हूँ भाई लोहे की स्ट्रक्चर, और यहाँ पर दूसरे में हम डाल देते हैं हमारी रुई। ये जो है भैया फाइबर वाली रुई है। तो अब जो है सारी चीजें तैयार है, पुली के ऊपर इसको लगाएंगे और इसको अंदर डालेंगे। तो पुली आ रही है यहाँ पे। तो गाइज यहां पर जो है तीनों स्लैब्स हमने लगा दी हैं। तो अब जो है इनको जमने में 24 घंटे लगते हैं, हो सकता है 24 से ज्यादा हम टाइम ले लें। तो अब जो है चलते हैं और आपसे मिलते हैं 1 या 2 दिन बाद में। नरेश भाई को भी थैंक यू यार, ठीक है मिलेंगे कल परसों जम जाए तो। हाय गाइज 2 दिन हो चुके हैं और हमारी जो बर्फ है वो जम चुकी है, और हम फिर से यहां पर आ चुके हैं। तो चलो अब चलते हैं वापस से फैक्ट्री में और देखते हैं क्या बना है। इसमें गर्म पानी है गाइज, इसके अंदर जो है गर्म पानी है ताकि जो बर्फ है वो इस सांचे में से वापस निकल सके। और गाइज इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ना वो सॉल्ट वाटर है, क्योंकि सॉल्ट वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल वाटर से कम होता है, इसलिए ये जमता नहीं है। ये पानी को जमा देता है, नॉर्मल को खुद नहीं जमता, एक कूलेंट का काम करता है। तो ये है नॉर्मल वाली स्लैब। तो गाइज यहां पर जो तीनों बर्फ की सिल्लियां हैं वो आपके सामने तैयार हैं, और ये है हमारा काफी बड़ा काफी भारी हथौड़ा। इसी से करेंगे तीनों की टेस्टिंग, लेकिन उससे पहले देख ले
देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। दोस्तों ये है नॉर्मल बर्फ की सिल्ली जो कि आप लोगों ने काफी बार देखी होगी। आप इसका कलर देखो एकदम व्हाइट है और गाइज ये जो है यार काफी ज्यादा ठंडी है तीनों। ये वाली है कॉटन वाली और इसके अंदर आप लोग देखो कि यहाँ पर भाई साहब कॉटन जो है वो बर्फ के अंदर आप देखो कैसे घुस गया है, इसके अंदर रीइंफोर्स हो गया है कॉटन। और वो है स्टील स्ट्रक्चर वाली, ये जो है बिल्डिंग वाले सरिये से बनी हुई बर्फ है। आप लोगों को यहाँ पर जो है सरिया देखो दिख भी रहा होगा, जो हमने जाल इसमें बना के डाला था वो इसमें दिख रहा है। तो अब फटाक से टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो नॉर्मल सिल्ली है उसके साथ में आते हैं। दोस्तों एक चीज आपको पहले ही बता दूं कि ये जो बर्फ है ये काफी ज्यादा भारी होती है और साथ ही साथ में अगर ये हमारे पैर वगैरह पे गिर जाए या कैसे भी हमारे ऊपर गिर जाए तो पत्थर की तरह काम करेगी। प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। तो अब मारते हैं बीच वाली नॉर्मल वाली स्लैब के ऊपर, कुछ इस तरीके से मारेंगे ठीक है। तो यहाँ पर भाई दम लगा के ये लो, दम लगा के ये लो। दम लगा के ये लो। वो तो गाइज यहां पर आप लोग देखो कि जो स्लैब है वो इस तरीके से टूट चुका है। आप लोग देखो कि जहां चोट लगी थी वहां से ये क्रैक हो गया है और बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है। आपके सामने सारा खेल। और अगर इस पे एक दो चोट और मारी जाए तो भाई साहब यहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है सिंपली इस तरीके से मारने पर फूट जा रहा है। और आप लोग देखो कि यहां पर क्या हाल हुआ है, सिर्फ 5-6 चोट में जो पूरी बर्फ की सिल्ली है वो जा चुकी है। तो अब आते हैं हमारी दूसरी स्टील वाली स्ट्रक्चर के ऊपर और इस पर मारते हैं और देखते हैं कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो भाई ये है स्टील वाली, ये लो। वो तो भाई ये है स्टील वाली, ये लो। वो यहां पर जल्दी आओ, यहां पर पता है क्या हुआ है गाइज, आप लोगों ने देखा कि यहां पर ये जो पार्ट है जहां स्टील इस तरीके से अंदर था वो हिस्सा नहीं टूटा, सिर्फ वो हिस्सा टूटा है जो कि इससे बाहर था क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो छोटा था। आप लोग देखो कि ये वाला तो क्रैक हो गया, बस ये नहीं हुआ है। तो इस पर भी मारते हैं जरा और ये लो भाई, ध्यान से रहना। और गाइज अबे यार ये तो भाई साहब, अबे यार कितना तेज इसमें चोट मार रहा हूं लेकिन अलग नहीं हो रहा। ये लो तो भाई साहब आप लोगों ने देखा ही है कि कितना हमने यहां पर दम लगाया और तब जाकर के भी ये जो है इससे एकदम अलग तो नहीं हो पाया। देखो स्टील जो है वो अंदर घुसा हुआ है, इसने इस पूरे हिस्से को एक जगह जोड़ कर रखा है और ऐसे ही मजबूती जो हमारी बिल्डिंग्स को भी मिलती है वो भी जो है टूटती नहीं है, जब वाइब्रेशन होता है भूकंप आता है ऐसे ही काम करता है, लेकिन उसमें बर्फ नहीं होती, सीमेंट और कॉन्क्रीट होता है। और गाइज यहां पर आप देखो कि बर्फ का चूरा होना शुरू हो गया है लेकिन यहां पर स्टील की वजह से काफी मजबूती आई है। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे कॉटन फैब्रिक वाले रीइंफोर्स्ड आइस स्लैब के ऊपर। तो ये है, अबे यार बहुत भारी है ये है भैया रुई वाला। तो ये लो, ओ, ये लो, ओ। ये लो, ओ। ओ भाई अबे यार पूरा दम लगा के मार दिया लेकिन ये टूटा नहीं, इनफैक्ट कोई क्रैक भी नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ से ये टूटा है जहाँ पर रुई नहीं थी। क्योंकि तो भाई जो रुई है वो जब हमने डुबाई तो वो ऊपर की तरफ आ गई और आधे हिस्से में ही रुई रह गई, आधा हिस्सा जो है नॉर्मल बर्फ की तरह है वही टूटा है, ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल नहीं टूटा। और मारते हैं जरा इस पे और ये लो। वाओ क्या बात है, अबे यार ओ भाई गाइज ये जो है
पत्थर की तरह रॉक सॉलिड हो गया। देखो कितना तेज इस पे मैं मार रहा हूं। लेकिन अबे यार गाइस, दिस इज सीरियस स्ट्रेंथ यार, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई इसमें। छोटे छोटे निशान है, लेकिन जो बर्फ है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि कहीं से भी नहीं टूटी है। देखो एक बार पूरा दम लगा के फिर से मारता हूँ जरा। गाइस देखा जो फाइबर री इन्फोर्समेंट है उसमें कितनी पावर होती है। मेरी पावर निकल गई, लेकिन ये जो बर्फ की सिल्ली है टूट नहीं रही। कोई नहीं, अपने को कोशिश करनी है और। थक गया भाई मैं तो, बट ये जो बर्फ है ये टूट ही नहीं रही। गाइस दिस इज कॉल्ड प्योर सक्सेस। एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब होगा मैंने खुद ने नहीं सोचा था। बर्फ जो इतनी ब्रिटल होती है, झटका मारते टूट जाती है, वो इतनी स्ट्रोंग हो गई मात्र आधा किलो रुई के साथ में। आधा किलो या एक किलो रुई होगी, लेकिन बर्फ तो 50 किलो की है। जोर से मार। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कि ये जो बर्फ है इसको पकड़, ये जो बर्फ है भाई साहब इस पे कितना ही मार लो लेकिन ये टूट नहीं रही है। हालांकि देखो मेरे को पत्थर तोड़ने की एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मैं, मेरे में जितना दम है ना, मैं सारा लगा रहा हूँ इसमें और ये जो है कुछ नहीं हो रहा। अबे यार ये कितना मजबूत है, जबकि देखो ये वाला हिस्सा देखना, जहाँ पर रुई नहीं है इस पे मारेंगे तो क्या होगा। ये देखो ये वाला टूट गया, बट जहाँ पर कॉटन है वो वाली जो बर्फ है वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। क्या बात है। तो गाइस यहाँ पर कंक्लूजन कुल मिलाकर के ये है कि जहाँ पर हमारे पास में था प्योर आइस वो टूट गया बहुत इजीली, पहले झटके में टूट गया, 2-3 झटकों में पूरा जो सिल्ली है वो ख़त्म हो गया। दूसरा हमारा जो ये वाला स्लैब था जिसमें स्टील स्ट्रक्चर थी ये काफ़ी हद तक झेला, लेकिन तीसरा हमारा जो कॉटन वाला स्लैब है ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत निकला। और यहाँ पर हुआ ये कि जो फाइबर्स हैं रुई के वो मिल गए बर्फ़ की मैट्रिक्स में, बहुत मजबूत जो है एक हाइब्रिड सिस्टम तैयार हो गया, एक मजबूत संरचना तैयार हो गया अगर हिंदी में आपको बताऊं, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है इतनी स्ट्रेंथ आ पाई है। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस चीज़ में कि दो अलग अलग चीज़ें मिलकर के बहुत मजबूत चीज़ बना सकती हैं, तो इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।